नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका में अनाधिकृत बांधकाम एक नहीं दो नहीं हजारों बल्कि लाखों की तादाद में है। जो पहले से चले आ रहे हैं उनको लेकर भी कई शिकायतें हैं, उन पर महानगर पालिका ध्यान नहीं दे रही। लेकिन वर्तमान में जो नए बन रहे हैं उनको भी रोका नहीं जा रहा है। खुद वसई विरार महानगर पालिका हाईकोर्ट में तक शर्मिंदा हो चुकी है, उसके बावजूद महानगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और उल्टा जो शिकायत करता है उसको दबाया जाता है। ऐसा एक मामला सामने आया है नाला सुपारा प्रभाग समिति ब से, जहां पर तिवारी नगर में कुछ अनाधिकृत बांधकाम जारी था। उसकी शिकायत करने गए सामाजिक कार्यकर्ता संतोष तिवारी को, उनकी शिकायत पर ध्यान देना तो दूर, महानगर पालिका ने उनको दबाव डालने के लिए जूने पुराने बांधकाम को, 30 साल पुराने बांधकाम को नोटिस भेजा। इस मामले को लेकर संतोष तिवारी ने विरार मुख्यालय पर आमरण उपोषण शुरू किया हुआ है और संतोष तिवारी का क्या कुछ कहना है आप आगे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि अभी वसई विरार महानगर पालिका ये दावा करते हैं हम अनाधिकृत बांधकाम पर बड़ी कार्यवाही करने वाले हैं और थोड़े थोड़े दिनों में कुछ छोटी मोटी टपरियों को तोड़कर महानगर पालिका बड़ी प्रसिद्धि भी अपनी देती है। लेकिन हकीकत यह है कि वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में, चाहे फिर वो प्रभाग जी हो, चाहे प्रभाग एच हो, चाहे प्रभाग ब हो, आप कहीं पे भी जाएंगे आपको आज की तारीख में अनाधिकृत बांधकाम दिखाई देंगे। जिस अनाधिकृत बांधकाम को रोकने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है वो धृतराष्ट्र बनी हुई है। तो आज के इस सब्जेक्ट में संतोष तिवारी का क्या कहना है आगे सुनिए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। क्या नाम है आपका? संतोष तिवारी। तिवारी जी, आप यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठे हो, कारण क्या है? सर, हमारे यहाँ सर्वे नंबर 89 में एक हम लोग चूँकि गांव गए थे, उसी बीच में उन्होंने 50 साल पुरानी छतरी तोड़ के ज़बरदस्ती पीछे 5,000 फुटनी करके और उसमें उन्होंने पतरे का सेट बनाया और उसमें अनाधिकृत बांध काम किया। किसने किया है ये? मुक्तेश्वर तिवारी, पारसनाथ तिवारी के पुत्र मुक्तेश्वर तिवारी और उनके बेटों ने। ये कहाँ पे पड़ता है? ये नाला सुपारा ईस्ट में ओवरब्रिज के नज़दीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद से 20/5 को हमने एक महानगर पालिका को लेटर दिया, नाला सुपारा प्रभाग समिति ब में लेटर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो आए और देख के चले गए। कुणाल और एक और कोई था शायद सूर्यकांत, सर्वे करके गए और उसके बाद से उन्होंने बोला कि हम बांधकाम होने नहीं देंगे और कुछ दिन रुका के फिर बार बार हमारे भाई डॉक्टर साहब ने उनको फ़ोन भी किया लेकिन उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और ये उन्होंने वो बनने दिया। फिर उसके बाद से 3/6 को लेटर दिया गया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद से आगे लेटर की प्रक्रिया चलती रही और इस विषय पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार मानकर जी से मिला और उसके बाद से वो पाटिल साहब जो उपायुक्त हैं उनसे मिला। मिलने के बाद भी उन्होंने मानकर जी को फ़ोन करके बोला भी कि आप तोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक कोई तोड़क कार्रवाई नहीं हुई और वो अभी तक उसमें मुंबई बाज़ार बन गया धीरे धीरे। और इस पर इसी नाते उन्होंने मतलब इसी नाते मैंने आमरण उपोषण किया और इनको बार बार ये इत्तला किया गया कि भई आप इसको तोड़क कार्रवाई कर दीजिए नए बांधकाम के लिए। उसके बाद उन्होंने अनायास सभी सारे जितने भी 7-12 पे नाम है उनको अनायास उन्होंने नोटिस दिया कि वो मेरा उपोषण मैं नहीं कर पाऊँ और उसकी वजह से वो मुझे लगता है कि वो संरक्षण दे रहे हैं इस बांधकाम को लेकर के। मतलब आपके उपोषण देने के मामले को रोकने के लिए कुछ अन्य जगहों पर नोटिस दिए गए? जी जी। वो बांधकाम कब हुआ था यहाँ पे? वो नोटिस सर 1966 का है, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है और कुछ 1966 में हुआ है, कुछ और 71 इस पर भी हुआ, 71 में कुछ हुआ है उसके जो ये रिकॉर्ड है नगर ग्राम पंचायत के समय में। और हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत देखिए ये इसके कुछ रिकॉर्ड्स हैं, आपका असेसमेंट उतारा भी है और सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आपका उपोषण कब तक चलेगा? सर, जब तक वो थोड़ा कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये उपोषण चालू रहेगा।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।